नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पुथिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं लेकर आई हूँ आज भी आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी बातें जो आप सबके लिए जानना और समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडेक्स फंड्स। तो दोस्तों, अगर इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इसको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले एक फंड की तरह देखा जाता है। और बहुत से जो हमारे एडवाइज़र्स हैं और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट करके स्टॉक्स मार्केट में और करोड़ों रुपए अर्न किए हैं, तो मतलब एक तरीके से बहुत लोगों ने इंडेक्स फंड्स की तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड कह सकते हैं इंडेक्स फंड्स को, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न दिलवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडेक्स फंड्स की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म पे अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म पे अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आप आज इन्वेस्ट करो और काफ़ी टाइम बाद जो है लॉन्ग टर्म पे, मतलब कहें कि बहुत सालों बाद आपको रिटर्न्स मिले अच्छे, तो लॉन्ग टर्म पे इंडेक्स फंड्स को बहुत अच्छा देखा जाता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स ये दिलवाते हैं। तो दोस्तों, अगर इंडेक्स फंड्स को देखें तो ये निफ्टी 50 प्लस सेंसेक्स, इन दोनों जैसी चीज़ों का, इन दोनों की परफॉर्मेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से निफ्टी 50 चलता है, सेंसेक्स चलता है, उसकी परफॉर्मेंस को मैच करके इंडेक्स फंड्स मूव करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको एक तरीके से बीट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट होते हैं, आपको कम रेट में मिल जाएंगे। इतना कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई इनका रेट नहीं होता, तो लो कॉस्ट होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब आप एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। आप बहुत अलग अलग स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे, जो कि हमने बताया था बैलेंसिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह पर कभी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इंडेक्स फंड्स में आपको वो जो है डाइवर्सिफिकेशन वो मिल जाती है। फिर इसके बाद आए मेन चीज़ रिटर्न्स की, तो इसके रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है इंडेक्स फंड्स दिलवा देती है, हाई रिटर्न्स दिलवाती है, मज़ा आ जाएगा। फिर अगर बात करें कि टॉप इंडेक्स फंड्स की इंडिया के, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा, तीन तरीके के आपको बताऊंगी टॉप इंडेक्स फंड्स जो बहुत अच्छे रिटर्न जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में, अगर हम अब से 5 साल पहले तक का अगर डेटा हम काउंट करके चलें, अगर हम उसको उसका सर्वे करें, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जो हैं इन तीन इंडेक्स फंड्स ने दिए हैं। तो इसमें आता है टाटा BSE सेंसेक्स डायरेक्ट, फिर आता है HDFC इंडेक्स BSE सेंसेक्स डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद आता है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड्स S&P BSE सेंसेक्स। तो ये तीन तरीके के टॉप इंडेक्स फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।